नमस्कार, मिठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाजू में आए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर अनेबल कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख सके। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में द्वितीय सत्र में संस्कृत विषय में दूसरा पाठ है खेल महोत्सव के बारे में पाठ का अनुवाद और समझौती प्राप्त करेंगे। खेल महोत्सव, खेल महोत्सव का अर्थ होता है खेल उत्सव, रमतों का उत्सव, यानी खेल उत्सव, खेल महोत्सव, उसका अनुवाद हम देखेंगे। यहाँ पर विवेकानंद के स्कूल में एक खेल महोत्सव चल रहा है, तो यहाँ छात्र क्या करते हैं, कौन कौन सी स्पर्धा खेल रहे हैं और आचार्य का उसके प्रति क्या प्रतिसाद है, इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। चलो हम अनुवाद देखते हैं। विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सव चलती, चलती यानी चल रहा है। विवेकानंदस्य यानी विवेकानंद के विद्यालय यानी स्कूल में, विद्यालय में, पाठशाला में खेल महोत्सव यानी खेल उत्सव चल रहा है। विवेकानंद के स्कूल में, पाठशाला में, विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है। आप लोग विद्यालय के जगह आप लोगों को जो आसान शब्द लगे वो लिख सकते हो, जैसे कि शाला, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। विवेकानंदस्य विद्यालय खेल महोत्सव चलती, विवेकानंद की विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है। बालकः प्रसन्नाः सन्ति, बालकः यानी बच्चे, प्रसन्नाः सन्ति यानी प्रसन्न है, खुश है, बच्चे खुश है। सर्व कौशलस्य प्रदर्शन कर्तुम इच्छन्ति, सर्व यानी सब, सर्व यानी सब, कौशलस्य यानी अपने अपने जो कुशलता होती है वो, सर्व कौशलस्य प्रदर्शन कर्तुम इच्छन्ति, सब अपनी कुशलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इच्छन्ति यानी चाहते हैं, कर्तुम यानी करना, प्रदर्शन यानी प्रदर्शन, सर्व यानी सब कुशलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो विवेकानंदस्य विद्यालय खेल महोत्सव चलती, यानी विवेकानंद के विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है। बालका प्रसन्ना सन्ति, बच्चे प्रसन्न है अथवा खुश है। सर्व कौशलस्य प्रदर्शन कर्तुम इच्छन्ति, सब कुशलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुत्रचित धावन स्पर्धा चलती, कुत्रचित यानी कहीं पर, कहीं पर धावनम यानी दौड़ने की, दौड़ने की स्पर्धा चलती यानी चल रही है, कहीं पर दौड़ने की स्पर्धा चल रही है। बालकाः यानी बच्चे प्रयत्नपूर्वक यानी प्रयत्नपूर्वक, शीघ्रता यानी झड़प से या तो शीघ्रता से, धावंती यानी दौड़ रहे हैं, बच्चे प्रयत्नपूर्वक शीघ्र से दौड़ रहे हैं। कतिपय बालका ऊँचे वदंती, कतिपय यानी कई बच्चे, कई बच्चे ऊँचे यानी ऊँची आवाज़ में, वदंती यानी बोल रहे हैं, कई बच्चे ऊँची आवाज़ में बोल रहे हैं। धावतु धावतु त्वरितम धावतु, धावतु यानी दौड़िए 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 झड़प से दौड़िए। एक बार देखो अनुवाद। विवेकानंद के विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है, बाल बच्चे सब प्रसन्न हैं, सब कुशलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, कहीं पर दौड़ने की स्पर्धा चल रही है, बच्चे प्रयत्नपूर्वक शीघ्रता से दौड़ रहे हैं, कई बच्चे ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं दौड़िए दौड़िए झड़प से दौड़िए। आगे देखो, कुत्रचित यानी कहीं पर गोलक्षेपक स्पर्धा चलती, गोलक्षेपक यानी लोहे का गोला फेंकने की स्पर्धा, गोलक्षेपकम गोले फेंकने की स्पर्धा चल रही है। क्रमशः क्रीडक लोह गोलम क्षिपति, लोह यानी लोहा, लोहा क्रमश यानी बारी बारी, क्रीडक यानी खिलाड़ी लोहे का गोला क्षिपति यानी फेंक रहे हैं, फेंकना फेंकना। कुत्रचित गोलक्षेपक स्पर्धा चलती, कहीं पर गोले फेंकने की स्पर्धा चल रही है। क्रमशः क्रीडा लोह गोलम कम क्षिपति, कहीं पर बच्चे कहीं पर खिलाड़ी, क्रीडक यानी खिलाड़ी, रमतवीर खिलाड़ी लोहे का गोला फेंक रहे हैं। कुत्रचित कबड्डी चलती, कहीं पर कबड्डी चल रही है, क्या है, कहीं पर कुत्रचित यानी कहीं पर कबड्डी चल रही है। कुत्रचित क्रीडक दीर्घलंघनम करोति, दीर्घलंघनम यानी लंबी कूद, कैसी लंबी कूद। कुत्रचित यानी कहीं पर खिलाड़ी लंबी कूद कर रहे हैं।
सम्यक्तया सर्व स्पर्धा पूर्ण भवंती। सम्यक्तया यानी अच्छी तरह से सभी स्पर्धा पूर्ण हो गई। सम्यक्तया यानी अच्छी तरह से सर्व यानी सभी स्पर्धा यानी स्पर्धा पूर्ण भवंती सभी स्पर्धा पूर्ण हो गई। कहीं पर कबड्डी चल रही है, कहीं खिलाड़ी लंबी कूद कर रहे हैं, अच्छी तरह से सभी स्पर्धा पूर्ण हो गई। समापन कार्य से प्रारंभ होती, समापन यानी समापन कार्य का प्रारंभ होता है, समाप्ति अथवा तो समापन कार्य का प्रारंभ होता है। विद्यालय से आचार्य स्वस्थान उत्तिष्ठति वदती च, विद्यालय का आचार्य स्वस्थान यानी अपने स्थान से उत्तिष्ठति यानी खड़े होते हैं, वदती च और बोलते हैं। विद्यालय के आचार्य अपने स्थान से खड़े होते हैं और बोलते हैं। खेल महोत्सवे आगतानाम प्रतिभागानाम कृते अभिनंदनम यानी खेल महोत्सव यानी खेल महोत्सव में आगतानाम यानी आए हुए, प्रतिभागानाम यानी भाग लेने वाले प्रतियोगिता, खेल महोत्सव में आए हुए और उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं को अभिनंदन यानी अभिनंदन। ऐसा अस्माकं प्रथम खेल महोत्सव, ये हमारा प्रथम खेल महोत्सव है। ऐसा अस्माकं प्रथम खेल महोत्सव यानी ये हमारा प्रथम खेल महोत्सव है। अस्माकं शालायां अस्मिन् वर्षे नूतन शिक्षक नियुक्तम अस्ति। अस्माकं शालायां यानी हमारी स्कूल में हमारी विद्यालय में अस्मिन् वर्षे इस साल नूतन यानी नया हमारे विद्यालय में इस साल नए शिक्षक की नियुक्ति हुई है। एतत् सर्वतस्य प्रयासस्य फलम, यह सब उसके प्रयास का फल है। क्या बताया है? एतत् सर्वतस्य प्रयासस्य फलम, यह सब उसके प्रयास का फल है। तम अपि अभिनंदन, तम यानी उन्हें भी अभिनंदन। अधुना अस्माकं विद्यालये व्यायामस्य प्रशिक्षणार्थं प्रशिक्षक अपि अस्ति। अभी हमारी विद्यालय में व्यायाम का प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक भी है। क्या बताया है? अभी हमारे विद्यालय में व्यायाम के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक भी है। स प्रशिक्षण दास्यति, वो प्रशिक्षण देंगे। अद्य आरभ्य अस्माकं शालाया प्रतिवर्ष खेल महोत्सव भविष्यति। भविष्यस्य यानी भविष्यकाल का वाक्य बनता है, स्य प्रत्यय आता है भविष्यकाल का, वर्तमान काल आत्मनेपद का भविष्यकाल का वाक्य है ये। अद्य आरभ्य यानी आज से शुरू करके अस्माकं शालाया हमारी शाला में हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष हर साल खेल महोत्सव होगा। भविष्यति यानी होगा, स्य प्रत्यय है इसलिए ये भविष्यकाल का वाक्य बनता है। अद्य आरभ्य आज से शुरू करके अस्माकं शालायां हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष यानी हर साल खेल महोत्सव भविष्यति, खेल महोत्सव होगा। अस्माकं छात्रा हमारे विद्यार्थी राज्य कक्षा या राष्ट्र कक्षा या खेल महोत्सव भाव ग्रहिष्यति। हमारे विद्यार्थी राज्य कक्षा राष्ट्र कक्षा के खेल महोत्सव में भाग लेंगे। भविष्यस्य यहाँ पर आता है यानी भविष्यकाल का वाक्य है। हमारे छात्र राज्य कक्षा राष्ट्र कक्षा के खेल महोत्सव में भाग लेंगे। अस्माकं शालाया नाम उज्ज्वलम करिष्यति, हमारी विद्यालय का नाम उज्ज्वल बनाएंगे। भविष्यति यानी बनाएंगे। जीवन खेलस्य महत्वम अस्ति, जीवन में खेल का बहुत महत्व है। खेल सर्वांगी विकासार्थम सहायम करोति, खेल सर्वांगी विकास के लिए मदद करता, सहायम यानी मदद करता है। खेल यानी रम्मत, खेल सर्वांगी यानी सभी तरह के विकास के लिए मदद करता है। खेल सर्वांगी विकास अर्थम सहायम करोति, खेल सर्वांगी विकास के लिए मदद करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसका हमने अनुवाद और शब्दशः समझूती प्राप्त की। एक बार पूरा अनुवाद देख लेंगे। विवेकानंद के विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है, बच्चे प्रसन्न हैं, सब कुशलता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, कहीं पर दौड़ने की स्पर्धा चल रही है, बच्चे प्रयत्नपूर्वक दौड़ रहे हैं, कई बच्चे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं दौड़िए दौड़िए झड़प से दौड़िए, कहीं पर गोला फेंकने की स्पर्धा चल रही है,
क्रम के अनुसार खिलाड़ी लोहे का गोला फेंक रहे हैं। कहीं पर कबड्डी चल रही है, कहीं पर खिलाड़ी लंबी कूद कर रहे हैं। सम्यक्तः अच्छी तरह से सभी स्पर्धा पूर्ण हो गई। समापन कार्य का प्रारंभ होता है। विद्यालय के आचार्य अपने स्थान से उठते हैं और बोलते हैं, खेल महोत्सव में आए हुए और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अभिनंदन। ये हमारा प्रथम खेल महोत्सव है। हमारे विद्यालय में इस साल नए शिक्षक की नियुक्ति हुई है। ये सब उसके प्रयास का फल है, उन्हें भी अभिनंदन। आज अभी हमारे विद्यालय में व्यायाम के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक भी है, वो प्रशिक्षण देंगे। आज से शुरू करके हमारी विद्यालय में हर साल खेल महोत्सव होगा। हमारे छात्र राज्य कक्षा, राष्ट्र कक्षा के खेल महोत्सव में भाग लेंगे। हमारे विद्यालय का नाम उज्ज्वल करेंगे। जीवन में खेल का बहुत महत्व है। खेल सर्वांगीण विकास के लिए मदद करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को दूसरे पाठ का अनुवाद और समझूती प्राप्त हो गई होगी, उसमें समझ में आ गया होगा। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। के धावक शीघ्रम धावती, यहाँ धावक शीघ्रम धावती यानी कि धावक एक वचन है और धावका बहुवचन है। धावका है यानी बहुवचन। यहाँ बहुवचन में वाक्य बनाना है। शीघ्रम का शीघ्रम ही लेना है और पीछे अंति प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? अंति प्रत्यय। जैसे कि मानव क्रीडाम पश्यति, पश्यति के पीछे क्या लगाना है? पश्यन्ति। और आगे मानवा का, मानव के जगह पे क्या आएगा? मानवा हा, मानवा, मानवा हा। क्रीडाम, क्रीडाम पश्यन्ति। आगे दूसरा वाक्य, गजह मंदम चलती, तो यहाँ क्या आएगा? गजाहा, गजाहा। मंदम का मंदम ही आएगा, बाद में चलती जगह क्या आएगा? चलंती। क्या आएगा? चलंती। अंति प्रत्यय लगाना है। बाद में आगे देखो, बालक शीघ्रम गच्छति, तो बालका शीघ्रम गच्छन्ति। महिला श्लोकम गायती, तो महिला हा श्लोकम गायन्ति। आगे देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। आप लोगों को हिंदी में प्रश्न का उत्तर लिखना है। विवेकानंद विद्यालय किम चलति, तो विवेकानंदस्य विद्यालय खेल महोत्सव चलति। धावका किम कुर्वन्ति, धावका शीघ्रतया धावन्ति। विद्यालय का क्रीड़ा चलति, विद्यालय धावन स्पर्धा चलती। दीर्घलंघनम स्पर्धा चलती, लोह गोलक क्षेपण स्पर्धा चलती, दीर्घलंघनम स्पर्धा चलती। जीवने कस्य महत्वम अस्ति, तो जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति। खेल कस्यार्थम सहायम करोति, खेल सर्वांगाणी विकासार्थम सहायम करोति। आगे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार हम लिखेंगे। राधा आगच्छति, सबाना वदति, तो सबाना भविष्य काल में बनाना है। जैसे कि राधा आगच्छति, आगमिष्यति, श्य लगाना है। क्या लगाना है बीच में? श्य। भविष्य काल का वाक्य बनाना है। जैसे कि सबाना वदति, सबाना वदिष्यति, वदिष्यति, व दि श्यति, यानी भविष्य काल का वाक्य बन जाएगा। सबाना बोलती है, तो भविष्य काल में क्या आएगा? सबाना वदिष्यति, यानी सबाना बोलेगी। मोहसिना चलती, मोहसिना चलिष्यति। रमेश खादति, रमेश खादिष्यति। वेद कथयति, तो वेद कथयति का आएगा वेद कथिष्यति, यानी कि भविष्य काल का वाक्य बनाना है। तो बस विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आप लोगों को इसका अनुवाद लिखना है और इस पाठ का अनुवाद लिखना है। अनुवाद के बाद में स्वाध्याय लिखना है और स्वाध्याय के प्रश्नों याद करने हैं। तो बस विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। तब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।